अभी हम ये जुगाड़ू फनल बनाया है पेट्रोल डालने के लिए, पतंजलि का फनल है, आयुर्वेदिक। भाई जबरदस्त व्यू है दोस्तों यहाँ से। अभी ये भाई साहब पहले ही लड़खड़ा रहे हैं। तो गाइस अभी हम जॉक फॉल्स देख के हो गए और अभी हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। बोलते हैं यहाँ पे और एक पॉइंट है, हम लोग चेक करते हैं वहाँ पे जा सकते हैं कि नहीं, नहीं तो फिर यहाँ से अलविदा। तो गाइस आप देख सकते हो ट्विस्टीज कितनी है, मैं आपको बार बार यही दिखा रहा हूँ क्योंकि बेहिसाब ट्विस्टीज और जो मज़ा है गाड़ी चलाने में मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ, मतलब उसको आपको खुद आजमाना पड़ेगा। प्रोवाइडेड यू आर बाइक राइडर, बट अगर आप कार लेके आते हो फिर भी मज़ा है, या तो फिर किसी टूरिस्ट गाड़ी में आते हो फिर भी आपको यहाँ पर मज़ा आएगा, क्योंकि ये जो नज़ारे हैं बेहिसाब नज़ारे हैं देखने लायक। अभी हम ये जुगाड़ू फनल बनाया है पेट्रोल डालने के लिए, हमारे भाई की पेट्रोल टंकी ख़त्म होने आई है तो, और ये पतंजलि का फनल है, पतंजलि का देसी फनल, व्हेन यू आर लाइक आयुर्वेदिक आउट ऑफ रिसोर्सेज दिस इज हाउ यू पुट पेट्रोल। आयुर्वेदिक फनल से हम इसमें पेट्रोल डाल रहे हैं, होपफुली इट्स वर्किंग, अदरवाइज वी आर। भाई ऐसा तो नहीं ना ये पानी मतलब इसके वजह से इसका एवरेज बढ़ जाएगा, आयुर्वेदिक है ना। प्लीज आप देख सकते हो लेफ्ट में यहाँ पे एक सस्पेंशन ब्रिज है और हम इसको ट्राई करने वाले हैं, देखते हैं ये कैसा है, पहला एक्सपीरियंस ही हमारा। क्या हो गया? वही सब देख सकते हो, यू आर क्रॉसिंग दिस सस्पेंशन ब्रिज। भाई जबरदस्त व्यू है दोस्तों यहाँ से, हमारे गाड़ी में काफी एक्सेसरीज लगने की वजह से थोड़ी जगह कम पड़ती है, बट कोई नहीं सर, इट इज फॉर प्रोटेक्शन। अभी ये भाई साहब पहले ही लड़खड़ा रहे हैं। चलो गाइस हम दूसरी तरफ आ चुके हैं, इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, क्या बात है। तो अभी यहां से हम यू टर्न मार के रिटर्न जाएंगे, तो चलो आने वाला तो वीडियो हमने निकाला है, जाने वाला नहीं निकालेंगे, कोई मतलब नहीं है एक ही चीज़ बार बार दिखाने में।
हम लोग जिस सस्पेंशन ब्रिज पे गए थे उसका नाम है सरावती सस्पेंशन ब्रिज। सरावती इज दी रिवर बेसिकली, जो हमने अभी ऊपर से देखी थी ना ये वही रिवर है, और ये वन ऑफ दी अट्रैक्शन है इस एरिया का, ये काफ़ी लोग यहाँ पे स्पेशली ये देखने आते हैं। सो गाइस हम लोग अभी उतर चुके हैं, अभी हम हाईवे पे हैं। ये रोड, ये हाईवे सीधा मोखाने जाता है, अभी ये फोर लेन हाईवे हो गया तो अभी हम कुछ स्पीड गेन कर सकते हैं। यहाँ से गोकर्ण इस 60 किलोमीटर, तो लगभग 2 घंटे में होना चाहिए, कम ही लगेगा, बट हायर साइड क्योंकि साथ में एक्टिवा है तो वो बंदा ज़्यादा भगा नहीं सकता उसको।